इस बार पंजाब का चुनाव बड़ा रोचक रहा। जहां भाजपा का खाता नहीं खुला, वहीं अकाली दल के आखिरी किले भी दरक गए। कांग्रेस के हिसाब से चुनाव अच्छा रहा, लेकिन वो अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहरा पाने में नाकाम रहा। वहीं इस बार पंजाब में बड़ा वोट बैंक खालिस्तानी समर्थकों की तरफ भी गया है। ऐसे में इस बार पंजाब के आम लोकसभा चुनाव में 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीती। खदूर साहिब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत खालसा ने अपना चुनाव जीता है। दोनों खालिस्तानी समर्थक माने जाते रहे हैं। सरबजीत खालसा इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक बेअंत सिंह के बेटे हैं, तो वहीं अमृतपाल सिंह देश विरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल के जेल में होने के बाद अभी तक शपथ नहीं हो पाया है। अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल से ही सीधे संसद में जाएगा और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कमरे में ही उनके समक्ष शपथ लेगा। पैरोल के दौरान अमृतपाल अपने घर नहीं जा सकता, उसका परिवार दिल्ली जाकर ही उससे मिलेगा। नजरबंदी अधिनियम 1981 की धारा 2C के अनुसार परिवार के सदस्य उससे मिल सकेंगे। वहीं शपथ लेने से पहले और बाद में अमृतपाल सिंह अमृतसर ग्रामीण SSP और लोकसभा सचिव द्वार तय की गई जगह पर रहेगा। अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कोई भी कार्य करने या कोई भी बयान देने से परहेज करेगा। अस्थायी रिहाई की अवधि में केंद्रीय जेल डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली और वापस आने में लगने वाला समय शामिल होगा। DGP के अधीन विभाग अमृतपाल की यात्रा का सारा खर्च वहन करेगा। शपथ लेने की पूरी प्रक्रिया के दौरान अमृतसर ग्रामीण SSP लोकसभा महासचिव के संपर्क में रहेंगे। अमृतपाल के पैरोल मिलने पर उसे चाचा सुखचैन सिंह ने कहा कि हमें सोशल मीडिया से पता चला कि सरकार उन्हें 5 जुलाई को शपथ दिलवाने जा रही है। हम चाहते थे कि उनका शपथ ग्रहण समारोह तब होता जब अन्य सांसद शपथ ले रहे होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अमृतपाल सिंह के चाचा सुखचैन ने कहा कि हमारा प्रशासन से बात करेंगे कि जब वह संसद के शपथ लें तो परिवार उनका वहीं मौजूद रहे, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। NSA को हटाया जाना चाहिए और उन्हें लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए। अमृतपाल की माता बलविंदर कौर ने कहा कि हमें खुशी है कि सरकार ने अमृतपाल को शपथ लेने के लिए पैरोल दी है। हम चाहते हैं कि सरकार को लोगों की आवाज़ को सुनते हुए अमृतपाल को जेल से रिहा करना चाहिए, क्योंकि अमृतपाल ने बड़े मतों के अंतर से जीत हासिल की है। उस पर से NSA कानून भी हटाकर उसके साथियों समेत रिहा करना चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।